अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज मैं आपको बताऊंगी मंकी पॉक्स के बारे में। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का 5th केस डिटेक्ट हो चुका है और WHO ने ग्लोबल हेल्थ एनर्जी डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है मंकी पॉक्स का, ये बहुत आसानी से स्प्रेड हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इस नए और खतरनाक वेरियंट का नाम है IB वेरियंट और WHO के मुताबिक ये अभी तक 500 से भी ज्यादा जाने ले चुका है। हम सब मिलकर इस मंकी पॉक्स वायरस से कैसे बच सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छे से फॉलो करें। अपने हाथ बार बार एंटीबैक्टीरियल साबुन से जरूर धोएं, अपने आप को साफ सुथरा रखें और अगर आपको अपने अराउंड कोई बीमार नजर आए तो इससे कॉन्टेक्ट से अवॉइड करें। अगर आपको ये 3 सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो फौरी हॉस्पिटल जाएं। अगर आपको बहुत तेज बुखार हो जाता है, आपके सर और जिस्म में ज्यादा दर्द रहना शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि आपकी बॉडी पर ज्यादा दाने बन रहे हैं जो कि पस से भरे जा रहे हैं, तो आप फौरी अपने डॉक्टर से रजू करें। अब हम सबको मिलकर मंकी पॉक्स वायरस को फैलने से रोकना है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एयरपोर्ट्स के ऊपर प्रॉपर स्क्रीनिंग हो और आप ये वीडियो सबको शेयर करें, और अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स नजर आए तो इन्हें कमरे में आइसोलेट करें और इनको इसके बाद हॉस्पिटल लाजमी लेकर जाएं। अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिएक्ट नहीं किया तो क्या हम कोविड के बैलेंस को अनपैक करने के लिए तैयार हैं? मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।